मोनू गोयत भिवानी डिस्ट्रिक्ट का एक छोटे से गांव कुंगर का वो सितारा जो 30 मई 2018 को ऐसा चमका कि दुनिया देखती रह गई। 1,51,00,000 रुपए में हरियाणा स्टीलर्स ने साइन किया उनको। अब जरा ये बताइए, अगर प्रदीप नरवाल ऑक्शंस में होते तो भला क्या होता। खैर छोड़िए, मोनू गोयत ने 10 साल की उम्र में कबड्डी खेलना शुरू कर दिया था और इसका श्रेय जाता है उनके चाचा जी श्री विजेंद्र सिंह जी को, जो कि खुद एक अच्छे कबड्डी खिलाड़ी थे अपने जमाने के। और जैसा कि विजेंद्र सिंह जी कहते हैं, मोनू गोयत बचपन से ही प्रतिभावान थे। उनकी स्किल्स, एजिलिटी और पावर बचपन से ही गजब की थी। बड़ा बदलाव तब आया जब 2011 में स्पोर्ट्स कोटा से मोनू गोयत का सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हुआ। उन्होंने कोच जसवीर सिंह जी की देख रेख में ट्रेनिंग शुरू की और सर्विसेज के लिए खेलना शुरू कर दिया। और जैसा कि मोनू गोयत खुद कहते हैं, सर्विसेज में आने के बाद उनको एहसास हुआ कि वो और कितना अच्छा कर सकते हैं और वो हमेशा से टॉप पे पहुंचना चाहते थे। ऐसी ही कुछ दिलचस्प बातें मोनू गोयत के बारे में कबड्डी अड्डा लेके आएगा अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए कबड्डी अड्डा। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए और नए वीडियोस अपलोड नोटिफिकेशन के लिए बेल प्रेस कीजिए।